उसकी स्वतंत्रता एकदम जरूरी थी, एक बंधन था हुआ। आपने हम तो कर दिया 14 बार, आपको तो 14 साल में हो गया था। आपको 14 साल में हो गया था। हाँ। तो 14 साल में आपके पास कितना मैच्योरिटी था, कितना आपके पास संभालने का घर हुआ था, हम सबके उतना थी लूर नौकरी कर रहा है तब होगा बढ़िया घर जाए जी आराम करे। बेटियाँ आज भी देश का धरोहर है, अगर बेटियाँ देश से खत्म हो जाए तो सृष्टि खत्म हो जाए। 16 बरस के बाद 18 बरस शादी कर दो, उसको बंधन में बांध दो, हरिया टैक्सी में बांध दो, खाना किचन के रूम में बांध दो जी। 21 बार पढ़ने का मौका मिले तो उसको उड़ान करने की मिलेगा जिस तरह लड़का लोग उड़ता है। तो आप किस साइड तक लड़कियों की शादी कर सकते हैं, 21 एज तक, तो उसमें आपको तो अच्छा ही लग रहा होगा सबको। हाँ अच्छा लग रहा है इनका। हमारा कहना है कि आदमी को सहयोग, गरीब आदमी के लिए तो सहयोग मिलेगा तभी ना लड़की के लिए विवाह के लिए कुछ करना होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं बात 24/7, जहां होती है हर खबर पे नजर। तो आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के बात करेंगे, जो सरकार केंद्र सरकार ने जो एक फैसला लिया था 18 से 21 साल कर देने का, लड़कियों की शादी की एज को बढ़ा दिया गया है, उस पर आज हम लोगों से चर्चा करेंगे, उस पर हम बात करेंगे कि उनकी क्या राय है, उनकी क्या सोच है इस पर। देखिए ऐसे तो अगर कोई भी बिल पास होता है, सरकार कुछ भी करती है, तो विपक्ष बहुत ज़्यादा हौ हल्ला करते हैं उस चीज़ को लेकर, कुछ ना कुछ में खामियां निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये अगर कुछ भी होता है तो दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छा अच्छा भी होता है इस चीज़ से और बुरा भी होता है। मेरे ख्याल से इसमें बहुत अच्छा ही अच्छा है लड़कियों की एज को लेकर। पहले था 12, फिर 14, फिर 18 और अब 21 कर दी गई है। तो इससे क्या होगा कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। 21 से तो उनकी ग्रेजुएशन ही पूरी होती है, वो ग्रेजुएशन पूरी करेंगी, उसमें वो नौकरी ले पाएंगी, पढ़ पाएंगी, अपना अच्छा और बुरा सोच पाएंगी, क्योंकि शादी की उम्र 18 थी और लड़कों की 21 थी, जिसे अब बराबर कर दिया गया है, दोनों की ही 21 होगी। तो अब इस चीज़ पे देखिए, इस चीज़ पे ये बिल लाने का सरकार का ये नियम था कि बहुत ही सारा इसका रीज़न है, ये बिल लाने का बहुत ही ज़्यादा रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि लड़कियां अगर थोड़ी मैच्योर हो जाएंगी, पढ़ने लिखने लायक हो जाएंगी, वो थोड़ी उनमें मैच्योरिटी आएंगी कि कैसे क्या करना है। कुछ लड़कियां तो अभी मतलब बच्चे ही होती हैं, 18 साल 16 साल ही होता है और उनकी शादी कर दी जाती है 16 साल से उनके। बहुत जगह ऐसा होता है ना कि 18 साल होने के बाद भी बहुत जगह आप जाइएगा जिसमें शिक्षा की कमी होती है, जो पढ़े लिखे माँ बाप नहीं होते, जिनके घर में बेटी होती है, उनको बस एक ही चीज़ लगता है कि बेटी है तो किसी तरह शादी कर देना है और भेज देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बोझ समझते हैं कि कहीं भी कैसे तरह शादी कर देना और भेज देना। बट अब क्या होगा, जो 21 कर दिया गया है तो उसे बेटियों को पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइफ में कुछ करने का मौका मिलेगा। लड़कियों से कहा जाता है कि तुम 18 वर्ष होने के बाद उनकी शादी कर दी जाती है, और कहा जाता है कि अच्छा घर मिल गया तो हम उसे क्यों हाथ से जाने दें, तुम्हारी पढ़ाई की वजह से तो रोकेंगे नहीं, हम लोग कर देते हैं। और फिर शादी के बाद भी उनके साथ क्या ही होता है, वही ससुराल संभालो, सास ससुर देखो, पति देखो, उसके अलावा उनकी लाइफ में रही क्या जाता है, पढ़ाई पढ़ने के लिए उनको मौका ही कहाँ मिल पाता है। और फिर उनके हिसाब से, ससुराल वालों के हिसाब से ही चलना पड़ता है उनको, कि कैसे पढ़ना मना कर दिए तो नहीं पढ़ना पड़ता है, नौकरी नहीं करनी है, हमारे घर से बाहर लड़कियां जाती नहीं है, बहुएं पाँव नहीं रखती है, ऐसे बहुत कुछ सुनने को, बहुत कुछ झेलने को मिलता है लड़कियों को, जो कि अब शायद बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस पे। अब जैसे अगर खराबी की बात करें, इसमें बुराई की बात करें, तो अब घर पे अगर 5 बेटियाँ हैं और एक ही कमाने वाले हैं, तो अगर वो बहुत गरीब हैं तो वो सोचते हैं कि शादी कर देते हैं ताकि थोड़ा हमारा कमी हो, मतलब जितना जिधर से भी जुगाड़ करके वो शादी कर लेते हैं। तो अब उनको भी लगेगा कि अब 21 साल हो गया, तब 21 साल तक रुकना पड़ेगा। बट इससे अच्छी बात ये, वो समझ नहीं पा रहे कि इससे उनकी बेटी को पढ़ने का मौका मिल रहा है, क्या पता वो पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करे। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं, आइए हम लोगों से पूछते हैं और बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ सुरेश कुमार। अच्छा, ये जो लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल कर दी गई है अभी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, इस पर आपका क्या राय है? इसमें हमारा कहना है कि आदमी को सहयोग, गरीब आदमी के लिए तो सहयोग मिलेगा तभी ना लड़की के लिए विवाह के लिए कुछ करना हो, सरकार को उसको मदद तो चाहिए ना। अच्छा, मदद चाहिए लड़कियों के लिए। अच्छा, और वैसे बिहार सरकार तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ लड़कियों के लिए दे रखा है, शादी वादी करने के लिए और पढ़ाने का भी, शायद हम सुने ऐसा कुछ है, बिहार सरकार की हुई है। हाँ हाँ, तो किए हुए, मगर गरीब लोगों को सहयोग नहीं ना मिल पाता है, जैसे वहाँ पर उसका फायदा गरीब लोग नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उनको प्रोसेस वगैरह पता नहीं होता है, शायद सारा चीज उसके बारे में जानकारी नहीं है, उसके बारे में तो जानकारी नहीं होता, उसके पास पहुँच नहीं पाता। और बड़े लोग को जानकारी, वो तो अपना अपना जगह पर सवार ज्येष्ठ हैं,
गरीब लोग को तो झेलना पड़ जाता है, इसीलिए अपने आप में काबू रह जाते हैं। अच्छा, तो आप इससे सहमत है कि नहीं? बिल्कुल सहमत है कि 21 साल हो गई है तो उनको पढ़ने का टाइम मिलेगा। जरूरी है काम करने का, उसको नया सहयोग मिलने का। जब काम उम भी किसी तरह का मिल जाए तो वो अपना जीवन बसर किसी को भी संभाल सके। कहते हैं कि अगर बेटियां पढ़ती हैं, जिस घर में बेटी महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं, उनके आगे की पीढ़ी भी पढ़ी लिखी होती है और सब समझदारी होती है। जरूरी है, हाँ, क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाती है, दे पाते हैं। परिवार तो सब पढ़ा लिखा हो गया तो उसको तो सहयोग देने वाला सब हो गया, और गरीब लोग का तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, पैसा के कारण, अटूट के कारण कुछ कर नहीं पाता है, और उसके कारण बेचारी वो अपना अपने घुट को दे, मतलब कैसे अगला को पढ़ाई लिखाए और उसका स्रोत मिले तो आगे जीवन में उन्हीं को जब पढ़ने का मौका नहीं दिया गया तो वो कैसे इस चीज को डील करेगी, कैसे करेगा अपना? तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है ताकि उनको अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। जो 18 से 21 साल तक उम्र हो गई है शादी की, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे चाची? ठीक है, बढ़िया है, उम्र हो गया तो। अच्छा, बढ़िया है? हाँ, बढ़िया है। आपकी बेटी है? हाँ, मेरे बेटी शादी कर दी है, नातनी है मेरा। अच्छा, कितने उम्र किए थे शादी आप? हम उम्र में किए हैं 21, एगो के किए 22 बरस में, एगो के किए हैं 21 बरस में। अच्छा, और नहीं है। अच्छा, 21 और 22 में किए थे। हाँ। अच्छा, तो फिर यहाँ पे अभी 21 तक तो हो ही गया है शादी का उम्र। हाँ। शादी करने का यहाँ हमारे केंद्र सरकार ने दे दिया है कि 21 तक लड़कियों की शादी कर सकते हैं। हाँ। 21 एज तक, तो उसमें आपको तो अच्छा ही लग रहा होगा सबको? हाँ, अच्छा लग रहा है ना, सब इससे सहमति है आप? हाँ, सहमति में ठीक लगता है। चलिए, 18 से 21 बरस तक के ठीक है उम्र। हाँ, शादी करने का ठीक है, ठीक है। हाँ सर, आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिलीप सिंह हुआ जी। आप क्या सोचते हैं इस पे? हम बहुत अच्छी सोचते हैं कि लड़कियों को कम से समय मिला आगे बढ़ने के लिए, जी। हाँ, कुरान जरूरी है, हर आदमी को समय मिलना चाहिए, लड़की का हाथ से समय मिला नहीं है। केंद्र सरकार जो सोच रही है अच्छी बात सोच रही है, इसलिए कि कम से कम लड़की को जब सब तक समय नहीं मिलेगा, 16 बरस के बाद 18 बरस शादी कर दो, उसको बंधन में बांध दो, हरिया टैक्सी में बांध दो, खाना किचन के रूम में बांध दो जी। 21 बरस पढ़ने का मौका मिले तो उसको उड़ान करने की मिलेगा, जिस तरह लड़का लोग उड़ता है वो अपने सपनों को पूरे कर पाएगी। हाँ, इसलिए केंद्र सरकार जो निर्णय लिया बहुत अच्छा लिया। हाँ, उससे आप पूरे सहमत है? हाँ, एकदम सहमत है भाई। देखिए, पहले क्या होता था कि 18 तक था तो जैसे लड़कियां 16 होती थी वैसे ही लड़का देखना शुरू कर देते थे। हाँ। उससे तो पूछा भी नहीं जाता था कि तुमको कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए, तुम्हारी पसंद भी नहीं पूछी जाती थी पहले। इसलिए तो हम लोग का बहुत अच्छा लगा, 21 जो उम्र किया है ना, बहुत अच्छा किया। मगर कुछ लोग हैं जिसमें विपक्षी जो है वो आवाज भी उठा रहे उस पे, उससे क्या, जनता से सहमत है, जनता से सहमत है। हाँ, खुश है जी। लड़की को सबसे बड़ी, लड़की को समय मिला, मौका मिला, हो कुछ करने की शक्ति दिखाने के लिए, आत्मशक्ति, आत्म बढ़ने की शक्ति मिला उसे जी सर। हाँ, तो इससे ये बहुत अच्छा चीज हुआ। हाँ, एकदम बहुत अच्छी चीज है, अभी तो अब अच्छा ही हो रहा है, अब अच्छा हो रहा है। हाँ, अब अच्छा हो रहा है। अच्छा, मगर क्या ये अभी भी बहुत जगह गाँव में, जैसे गाँव में आप जाइएगा तो फिर भी कर दिया जाता है, ये देखा नहीं जाता है बहुत जगह? लोग निचे स्तर जो पहले से बंधे हुए हैं, जो एक बंधन से, जो एक सीमा, एक नियम, एक कानून जो बंधे हुए हैं, उसे खुल नहीं पा रहे हैं। लोग सोचते हैं कि यही चीज है, बस बेटी को शादी कर दो, घर में खाना बनाएगी, उसको बाहर कोई काम नहीं करना है, आगे सोचने की शक्ति नहीं मिलना चाहिए, पढ़ने की शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, बस इतनी है। लेकिन एकदम जरूरी था, ये बहुत जरूरी था। हाँ, उसकी स्वतंत्रता एकदम जरूरी थी, एक बंधन था हुआ, लेकिन ये बंधन खुला है आज जी सर। हाँ, बंधन खुला है, सोचने की शक्ति उसको मिला है जी। ये बहुत ही अच्छा, ये जो एक जो बसपा के हमारे नेता थे संसद में, उन्होंने बोला था कि लड़कियों की एज बढ़ाई जाएगी तो वो अवारगी करेंगी लड़कियां। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अवारगी कभी नहीं, बहुत बेतुका बयान आया था जी। ना, ये तो खैर मन ग्रंथ बात है, बेटियां आज भी देश का धरोहर है, अगर बेटियां देश से खत्म हो जाए तो सृष्टि खत्म हो जाएगा जी सर, बिल्कुल। हाँ, अगर बेटी नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए, हर तरह से शिक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था, हर चीज उसको देखना चाहिए जी सर, तब ना हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो आप क्या सोचते लड़कियों की जो एज बढ़ गई उस पर आपका क्या कहना है? मैं तो यही नहीं कि सब उगड़ रहा है कि सब पूरा हो जाए, भगवान पढ़ल लिखल लिखल नौकरी करे, बढ़िया नहीं? हाँ, ये तो है। हाँ, क्योंकि उनको पढ़ने का टाइम मिलेगा। हमने आप पहले हो वाले वह 16-17 में, अब तो उम्र हो जाए तब पढ़े ने नौकरी करा है, तब हो बढ़िया घर जाए जी, आराम करे। आपकी भी बेटी होगी?
हमारा एक बेटिया को तो शादी ब्याह कर दे। कितने एज में शादी किया था आपने? हम तो कर दे 14 बरस में। 14 बरस में कर दिए थे? हाँ, खलको पिलको तो 4 गो नाती है को। अच्छा। सब कुछ भगवान दिया से पूरा है को। अच्छा, तो ये बहुत कम उम्र में शादी कर दिया? हाँ, कम ही उम्र में, सस्ती ही हम कही। अच्छा, एक बेटी है कभी निमा दे आराम घर मिल के नहीं बढ़िया ना कुछ यहाँ के पावर दाना घाटा ही नहीं सब आराम से ले जी बढ़िया सब। तो जैसे कि आपने सुना, इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी 14 वर्ष में ही कर दी थी। ये जो अभी चाचा ने बताया हमें कि अच्छा घर का कमाने वाला लड़का मिल गया था तो हमने कर दिया, मतलब आधा से ज्यादा घरों में बेटियों के साथ बस यही होता है कि अच्छा कमाने वाला, अच्छा खाने वाला लड़का मिल रहा है तो क्यों ना करें, अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो क्यों हाथ से जाने दें, आधा लोग तो यही बोलते हैं। तो मेरा कहना है मतलब है कि अगर आप अच्छा कमाने और अच्छा खाने वाला लड़का खोज रहे हैं तो अपनी बेटी को भी तो उस लाइक पहले बना दीजिए। अच्छा, तो आपका क्या कहना है इस चीज पे, 18 साल से 21 साल कर दी गई लड़कियों की शादी उस पर? 18 साल बढ़िया है, 21 साल बढ़िया है, 18 साल ठीक है। 18 साल ठीक है? अच्छा, वो कैसे ये बताइएगा। बच्चा में शादी होता है फिर लड़की का हानि? 18 साल बच्चा रहा है, 18 साल बच्चा नहीं ना रहा है जी। अब 18 साल बच्चा नहीं रहता मगर उतना मैच्योरिटी। अच्छा, आपकी शादी कितने में हुई पहले ये बताइए आप? हमको तो 14 साल में हो गया। अच्छा, आपको 14 साल में हो गया था? हाँ। तो 14 साल में आपके पास कितना मैच्योरिटी था, कितना आपके पास संभालने का घर हुआ था? हम सबके उतना थी लूर घास था, 14 साल में दिक्कत हुआ था ना आपको? 18 साल में नहीं दिमाग रहता है, 18 साल ठीक है, 21 साल का 21 साल 25 साल में लड़की की शादी करता है और हाँ तो 25 साल 21 साल तो करते हैं, उस समय तक दिमाग आ जाता है ना, वही तो वह सोच लेती है क्या करना अपना जीवन सोचे सभी क्षमता रहता है। वैसे भी आप अभी बोल रहे हैं कि 18 साल ही सही था, 18 साल करने वाला तो सही है, गांव देहात में अगर आप जाएंगे तो सच में कर देता है जी। और जैसा कि आपने सुना देखा समझा कि हमने जितने लोगों से बात की उनकी वैसे एक तर्क भी है, अगर लड़कियाँ अगर देखिए छोटे छोटे समाज की लड़कियाँ जो होती है, छोटे छोटे जात की जो लड़कियाँ होती है उनके साथ ये समस्या है बहुत जगह पे कि अगर लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं, कुछ ज़्यादा समाज से हटकर करती हैं, ज़्यादा पढ़ती हैं तो उनको ये कहा जाता है कि अरे लड़कियाँ तो वो लड़की तो बहुत हाई फाई है, बहुत पढ़ी लिखी है, हमें तो ऐसी लड़की नहीं चाहिए, हमें तो निचला वर्ग की लड़की चाहिए जो बस घर बस रसोई तक सीमित है, जो बस खाना पकाने तक ही सीमित है, उससे ज़्यादा अगर पढ़ी लिखी है उससे ज़्यादा कुछ लड़की जानती है तो उनको शोभा नहीं देता उस चीज़ का, तो वो तुरंत लड़कियों की शादी के लिए मना कर देते हैं। तो ऐसे में जो गरीब बाप होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है अपनी बेटी की शादी करने के लिए, वो पाई पाई जोड़ कर अपनी बेटी की शादी करते हैं, ये सब में बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ही सब जगह समस्या है इस चीज़ का। अगर लड़कियाँ पढ़ अगर देखिए अगर क्या है ना कि अगर ये छोटी सोच है थोड़ी बहुत कि लड़कियाँ अगर पढ़ लेंगी ज़्यादा तो शादी नहीं हो पाएगा, बस एक यही प्रॉब्लम होता है कि 25 साल के वो उस टाइप का लड़का नहीं मिल पाएगा, शादी नहीं हो पाएगा, मतलब शादी बस लड़कियों के कुछ है तो बस शादी का ही फ्यूचर सोचा जाता है, उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता है, कहा जाता है कि तुम ससुराल में जाके पढ़ना, ससुराल में ही कुछ करना, उनको पढ़ने का भी मौका नहीं दिया जाता है, और डायरेक्ट कह दिया जाता है उनसे कि पति पढ़ाएगा तो पति के साथ पढ़ना, अभी तुम शादी कर लो वाला सीन है, मेरे घर से चली जाओ वाला। बचपन से ही मतलब पता है जब 16-17 साल की होती है लड़कियाँ उस टाइम से उसके दिमाग में भरा जाता है कि तुम मेरे घर की नहीं हो, तुम पराई धन हो, और फिर पराई धन और फिर दूसरे घर की बेटी या फिर दूसरों की अमानत और पता नहीं किस किस नाम से बुलाया जाता है बेटियों को कि तुम तो दूसरे घर की हो, ये घर तो तुम्हारा है ही नहीं, और जब ये घर हमारा नहीं और जब ससुराल में लड़कियाँ जाती हैं तो उनको बोला जाता है कि वो तो दूसरे घर से आई है, तो इस हिसाब से लड़कियों को कोई घर ही नहीं हुआ ना। तो सारा मैटर अगर हम देखें, सारा सोच समझ बूझ कर देखें तो अगर सारा सब कुछ लड़कियों पे ही आ जाता है, घूम फिर कर सब कुछ, अगर 21 साल हुआ है तो उसमें भी उस ऐसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, मगर हाँ जो गरीब तबके छोटे तबके के लोग होते हैं उनके लिए सच में ये बहुत दिक्कत वाली बात है कि अगर 21 साल हो गए तो अब मौजूदा समय में अगर हम बात करें 18 साल की कम लड़कियों की शादी कर दी जाती थी तो मौजूदा समय में इसका 2 साल का जेल और 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था, भुगतान राशि के रूप में किया गया था। अब इस पे मेरे ख्याल से सरकार को बहुत बहुत कड़ाई से फैसला लेना पड़ेगा और बहुत कड़ाई लानी पड़ेगी, इस पे कोई कानून लानी पड़ेगी जिससे लड़कियों की शादी कम उम्र में होने से बचे और वो मानसिक रूप से और फिजिकली और मानसिक रूप से वो तैयार हो सके शादी के लिए। तो बस आज के इस रिपोर्ट में इतना ही, कैमरा पर्सन कल्पना के साथ निशा सैनी, भारत 24/7, थैंक यू।